राजधानी दिल्ली के मैदानगढ़ी इलाके में एसडीएमसी के प्राइमरी स्कूल में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर पर 45 प्लस के लिए वैक्सीनेशन उपलब्ध है और यहां पर लगातार वैक्सीनेशन का कार्य जारी है, जिसकी जानकारी देते हुए निगम पार्षद संजय ठाकुर ने बताया कि कोई भी व्यक्ति आधार कार्ड लाकर यहां पर वैक्सीनेशन करवा सकता है। दरअसल जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर दिल्ली के मैदानगढ़ी इलाके में स्थित एसडीएमसी के प्राइमरी स्कूल की है, जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है और यहां पर व्यवस्थित तरीके से कोविड-19 का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लगातार वैक्सीनेशन चल रहा है। निगम पार्षद संजय ठाकुर ने बताया कि मैदानगढ़ी इलाके के एसडीएमसी के प्राइमरी स्कूल में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, जहां पर लगातार 45 प्लस का वैक्सीनेशन जारी है। वैक्सीनेशन सेंटर इसलिए खुलवाया कि हमारे यहाँ गरीबों का क्षेत्र है, यहाँ सब लोग आते जाते रहते हैं, तो पहले 18 से 45 साल के लोगों के लिए एसडीएम अंकिता मिश्रा जी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। अंकिता मिश्रा जी को मैं रिक्वेस्ट किया था, सवा साल से एसडीएम है, मैं रिक्वेस्ट किया कि मैडम एक हमारे यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर खोलिए, तो 18 से 45 साल के लोगों को पड़ा। और उसमें अच्छी बात क्या है कि कुछ लोग और जगह से भी आए, अभी थोड़े दिन बाद 18 से 44 साल के लोगों को बंद कर दिया गया, 45 साल के लोगों का पड़ रहा है, अभी तक 6,259 कल तक पड़ा है और 1200 एक और जगह वैक्सीनेशन सेंटर था, वहाँ 7,400 लोगों को पड़ा है अभी तक। वहीं स्थानीय निगम पार्षद संजय ठाकुर ने बताया कि उनके इलाके में वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किया गया है, जहां पर 7,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन का टीका लगाया जा चुका है।